चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं, 0 to 9। 0 to 9 हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं। इसका मतलब कि अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी अगर नंबर फॉर्म करेंगे, कोई भी नंबर अगर बनाएंगे, तो उसमें जो जो सिंबल्स या फिर जो जो डिजिट यूज होंगे वो 0 to 9 होंगे। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिजिट वहां पर हम यूज नहीं करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि वहाँ पर दो सिंबल्स होते हैं 0 and 1, और उसका बेस जो कहलाता है वो 2 कहलाता है बाइनरी में, और डेसिमल में उसका बेस 10 कहलाता है। और बेस से हम ये समझते हैं कि वहाँ पर कितने डिफरेंट नंबर ऑफ सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो बाइनरी में क्योंकि दो नंबर सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं 0 and 1, तो वहाँ पर कोई भी अगर नंबर फॉर्म करेंगे, हम किसी भी तरह का नंबर फॉर्म करेंगे, तो उसमें 0 या 1 के अलावा कोई अलग डिजिट यूज़ नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल हमारे पास 8 सिंबल्स यूज में आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 0 to 7, 0 to 7 मतलब कितने डिफरेंट सिंबल्स है हमारे पास? 8। तो यहां पर हमारे पास 8 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, और जितने डिफरेंट सिंबल्स होते हैं उसी को हम बेस भी बोलते हैं या फिर रेडिक्स भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें बेस या रेडिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो बेस और रेडिक्स हमें बताता है कि यहाँ पर कितने डिफरेंट सिंबल्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 0 to 7 की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आता है? इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा, तो वहां पर जो भी नंबर बनेगा उसमें 0 से लेकर 7 तक के ही नंबर्स यूज में आ सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर यूज में नहीं आएगा। इसका मतलब कि अगर मैं कहता हूं 27, तो ये बेस 8 में पॉसिबल है, मतलब ये जो है ये ऑक्टल नंबर कहला सकता है, क्योंकि इसमें 2 और 7 वही नंबर्स हैं जो कि 0 to 7 की रेंज में है। अगर मैं कहूं कि यहां पर 36, तो 36 को भी हम ऑक्टल में बोल सकते हैं। अब आप समझिएगा, 36 अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम अगर होगा तो भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल अगर होगा तो यहां पर बेस में 10 लिखा होगा। अगर बेस में 10 लिखा है तब हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे, लेकिन अगर ये 8 लिखा है तो इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, इसको 36 नहीं बोलेंगे। मैं अभी 36 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम नॉर्मली डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो ये हमें 27 दिख रहा है, ये हमें 36 दिख रहा है, लेकिन ये डेसिमल नंबर में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 27 और 36 नहीं होगा, ये कुछ और नंबर होगा। वो हम कैसे निकालते हैं वो हम समझ लेंगे अभी कुछ ही देर में। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पर मेरे पास 48 एक नंबर है बेस 8 में, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहां पर एक ऐसा सिंबल यूज में आ रहा है 8, जो कि इस रेंज के बाहर है, मतलब 0 टू 7 के बीच में नहीं लाया कर रहा है। इसका मतलब कि 48 पॉसिबल ही नहीं हो सकता बेस 8 में। उसी तरह से मान लीजिए अगर मैं बाइनरी में कहूं कि ये नंबर मेरे पास है 0, 1, 2, और बेस 2 में अगर मैं कहूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे 2 आ रहा है और बाइनरी नंबर में हमेशा 0 और 1 ही यूज में आता है। उसी तरह से अगर मैं कहूं 49 बेस 8 में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 0 से 7 की रेंज के बाहर है, तो 9 जो है वो सिंबल हम यूज नहीं कर सकते, तो ये भी ऑक्टल नंबर नहीं होगा। मतलब कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि बेस में जो भी नंबर दिया है वो वैलिड है या नहीं, तो आप उसका बेस देखिए, उससे एक कम, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 क्योंकि सिंबल्स होते हैं तो उससे एक कम, मतलब 9। अगर बाइनरी की हम बात करें तो उसका बेस 2 होता है, मतलब उससे एक कम, 0 to 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उससे एक कम, मतलब 0 to 7। तो जो भी बेस हो, मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक नंबर है जो n बेस में है, तो उसके पास टोटल n सिंबल्स होंगे और उसकी रेंज होगी 0 to n-1, लेकिन ये तब तक वैलिड होगा जब वो ऑक्टल या फिर बेस 9 तक होगा। जैसे ही बेस 10 के बाहर चले जाएगा तो वहां पर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हमें अल्फाबेट्स भी यूज करने पड़ेंगे, ABCD। वो कैसे होता है, वो क्यों हम यूज करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में उसको कवर करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि अगर हमारे पास n बेस में है तो उससे 0 to n-1 सिंबल्स क्रिएट हो सकते हैं, या फिर उससे ही हम सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, अब हमें ये समझ में आ गया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, और हम ये भी सीख चुके हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम अगर लिखा है तो हम ये कैसे पहचाने कि वो वैलिड नंबर है या नहीं। अब हम सीखते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर दिया हुआ है बेस 8 में, मतलब अगर मुझे कोई एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, तो मैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा, तो हम वो सीखते हैं। तो पहले मान लीजिए बिल्कुल वही तरीका है जैसा कि हमने बाइनरी में सीखा था, बिल्कुल सेम तरीका है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास लिखा है 27 बेस 8 में, और मुझे पता लगाना है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में ये क्या होगा।
मतलब डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि हर एक सिंबल को उसके वेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो डेसिमल में क्या होगा। और हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका वेट तो वो बेस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेस 10 होगा तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसका बेस बाइनरी में 2 होगा तो हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से अगर हम बेस 8 की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि इसका बेस, इसका वेट क्या होगा, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर है तो यूनिट प्लेस पर मतलब वंस प्लेस पर, तो इसका वेट होगा 8 raised to the power 0। अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है तो इसका वेट होगा 8 raised to the power 1। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 raised to the power 1 से, क्योंकि 2 का वेट 8 raised to the power 1 है। प्लस 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 raised to the power 0 से, क्यों, क्योंकि 7 का जो वेट है वो 8 raised to the power 0 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 8 16 प्लस 8 raised to the power 0 मीन्स 1, 1 × 7 मीन्स 7। तो 16 प्लस 7 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 23। तो 23 जो आ गया है ये बेस 10 में है। तो देखिए नंबर था 27 ऑक्टल में, जैसे ही हम उसको बेस 10 में लेकर गए तो वो 23 हो गया। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि हमारा बेस जो है वो बढ़ गया और जो नंबर है वो घट गया, मतलब 27 से ये हो गया 23 और बेस 8 से 10 हो गया। क्यों, क्योंकि 10 जब नंबर होते हैं हमारे पास तो बेस 10 में हमारे पास सिंबल्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम 8 बेस में यूज़ करते हैं या 2 बेस में यूज़ करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ सिंबल्स कम हो जाते हैं तो नंबर हमें बड़ा दिखने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम बेस देखें तो बेस 8 में नंबर हमें बड़ा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हम बेस 10 में गए तो क्योंकि हमारे पास बेस ज़्यादा आ गया, नंबर ऑफ सिंबल्स ज़्यादा आ गए तो हमारा नंबर छोटा हो गया। लेकिन एक्चुअल में अगर हम 27 बोल रहे थे तो वो गलत बोल रहे थे, अगर हम बेस 10 में बोलेंगे तो वो एक्चुअल में वो 23 है। ये तो तब होगा जब ये कंप्लीट एक नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रैक्शनल नंबर हो जिसमें कि डेसिमल भी आ रहा हो, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कर रहे थे, बिल्कुल वही तरीका है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है 123.1, मान लीजिए मुझे दिया है 123.1, ये मुझे नंबर दिया हुआ है, या फिर इसको मान लीजिए थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ 01, ये मुझे नंबर दिया हुआ है, और ये मुझे दिया हुआ है बेस 8 में और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो हम पहले वेट्स देख लेते हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे बेस जो वेट्स है वो इंक्रीज होता जाता है, तो पावर 0, पावर 1, पावर 2, और डेसिमल के राइट साइड पे वेट नेगेटिव होता जाता है, तो -1 -2। बस ये आप ऊपर लिख लीजिए तो इससे क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन में आपको आसानी हो जाएगी। तो अब इसको क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऊपर 2 लिखा है मतलब 8 की पावर 2, 8 क्यों, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, प्लस 2, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसके वेट से मतलब 8 raised to the power 1, प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट से मतलब 8 raised to the power 0, प्लस 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट से मतलब 8 raised to the power -1, प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 raised to the power -2 से। अब हम इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, प्लस ये हो जाएगा 3, प्लस ये हो जाएगा 0, प्लस ये हो जाएगा 1/64, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/64, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 670 और प्लस 10 80, 80 + 3 = 83, तो 83 + 1/64। अब 1/64 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 83 प्लस, अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा करीब करीब 0.01 करीब, मतलब कि हम दो डेसिमल प्लेस तक अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.01 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 0.01 इसको हम लिख लेते हैं, और फिर ये कन्वर्ट होके हो जाएगा आपका 83.01 और ये आपका आ गया बेस 10 में। तो इस तरह से हम ऑक्टल से डेसिमल में किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और फुल कोर्स के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करिए, प्रतीकजैनएकेडमी.com। थैंक यू।